हेलो जो, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 4 अप्रैल 2022 क्रमांक संख्या 62 आज की कार्य पत्रिका कक्षा 5 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। और ये पठन अभियान की वर्कशीट है। 12वां सप्ताह, विषय थी माँ की ममता। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए देख लेते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हर जगह भगवान मौजूद नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने हम सबको माँ के रूप में एक अजीज तोहफा दिया है। माँ अपने बच्चों का विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार से लालन पालन करती है, आइए नीचे दी गई कहानी से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माँ के बारे में दिया गया कि हर जगह भगवान नहीं मौजूद हो सकते, इसीलिए हमें भगवान के रूप में माँ दी गई है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का लालन पालन करती है। नीचे इसी के आधार पर एक कहानी दी गई है, तो चलिए देखते हैं क्या है। आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए सुरीली चिड़िया उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। सुरीली के बच्चों को जोर जोर से भूख लग रही थी। बच्चे रोने लगे। सुरीली ने अपने बच्चों का रोना अच्छा नहीं लग रहा था, वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसीलिए वे चुप नहीं हो पा रहे थे। आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ये सुरीली नाम की चिड़िया थी जो आम के पेड़ पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाई थी, जिसमें उसके 3 बच्चे भी रहते थे। और बच्चे उड़ना नहीं जानते थे, तो माँ उनके लिए भोजन लाती थी और खिलाती थी। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सुरीली के बच्चों को बहुत तेज़ से भूख लगी और वो जोर जोर से रोने लगे। और उनका रोना देखकर सुरीली को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे चुप कराना चाह रही थी, पर बच्चे भूख से तड़प रहे थे। आगे देखते हैं। सुरीली चिड़िया सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? अगर खाना नहीं लाई तो बच्चों की भूख कैसे शांत होगी? काफ़ी देर सोचने के बाद सुरीली चिड़िया ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर जा पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले दाल चावल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुँह में ढेर सारे चावल रख लिए। और घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल के दाने खिलाए। जब बच्चों का पेट भर गया तो वे सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। तो देखिए, ये बारिश में भी उड़कर लंबी उड़ान भरी। फिर पंडित जी के घर पहुंची, वहां पर उन्होंने प्रसाद में दाल चावल रखे थे, तो अपनी चोंच में चावल भरकर यहाँ पर देखिए अपने बच्चों को घोंसले में लेकर आई और अपने बच्चों को खिलाने लगी एक एक चावल के दाने, तो उनकी भूख शांत हुई और फिर वो खेलने लगे आपस में। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या है? भाग संख्या 1। प्यारे बच्चों, ऊपर दी गई कहानी को पढ़ने के बाद आपको सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा और क्यों? तो यहाँ पर बच्चों, मुझे सबसे अच्छा भाग कहानी में ये लगा, जो बारिश में अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, चिड़िया का तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए खाना लाने जाना, यह भाग मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भी हार नहीं मानी थी और खाना लाने गई। इस दुनिया में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं बच्चों। माँ अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने बच्चों के हित के लिए कार्य करती है, तो माँ से बढ़कर कोई नहीं है बच्चों दुनिया में। आगे देखते हैं। भाग संख्या 2। आपने
अपने आसपास बहुत से पेड़ देखे होंगे, उनके नाम लिखिए। तो आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे बच्चों, तो चलिए मैंने देखे हैं आम, नीम, कदम, बरगद, अमरूद, और आपने कौन कौन से पेड़ देखे उनके आप नाम लिख दीजिएगा। भाग संख्या 3, आपके माता पिता किस प्रकार आपका ध्यान रखते हैं अपने शब्दों में बताएं। तो यहाँ पे बच्चों अपने शब्दों में बताना है, कुछ मैं बता देती हूँ आपको कि माँ बाप आपके आपका किस प्रकार ध्यान रखते हैं। समय पर खाना देकर, समय पर गृह कार्य करवा कर, और सड़क पर खेलने के लिए मना करके, अच्छी आदतें सिखाकर, आपस में झगड़ा ना करने के लिए, और अधिक समय तक टीवी या मोबाइल देखने के लिए, बिजली व नुकीले उपकरणों को छूने के लिए मना करते होंगे, आपका बीमारी में आपका ख्याल रखते होंगे, और आपको समय पर सोना, समय पर जगना, स्कूल ले जाना, आपका खाना, सब आपके माता पिता करते हैं, तो वो आपका कितना ध्यान रखते हैं ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाएं कि संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं। माँ अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो बच्चों मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।